दोस्तों कैसे हैं आप सभी, आशा करता हूँ सब बढ़िया ही होंगे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं होंडा सीबीआर 250RR इंडिया अपडेट के बारे में। मोस्ट स्टाइलिश बाइक देखने को मिलती है इन 250cc सेगमेंट में। दोस्तों आप लोगों का सवाल था कि कब तक लॉन्च होगी, क्या होंगे फीचर। सो दोस्तों अभी तक का जो अपडेट आया है वो इस वीडियो में आपको बताऊंगा। आप भी जानना चाहते हैं होंडा सीबीआर 250RR 2021 मॉडल के बारे में तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबा दें। नीचे डिस्क्रिप्शन में कुछ प्रोडक्ट्स के लिंक है जो बेसिकली मैं यूज करता, अगर वो भी अगर आप परचेस करना चाहते हैं तो वहां पे थोड़ा चेकआउट कर सकते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक चीज बताना चाहूंगा, आप लोग को शायद पता होगा अगर आप कॉमेडी चैनल देखते हैं तो भुवन बाम के बारे में आप जानते ही होंगे। उनके मॉम डैड कुछ दिन पहले एक्सपायर हो गए, उन्होंने एक वीडियो फाइनल अपडेट किया है कि उनके पापा एक्सपायर हो गए। अगर आप भुवन बाम के फैन हैं रेस्ट इन पीस लिख सकते हैं या जो भी आपको कमेंट करना उनके इंस्टाग्राम पे जाके कर सकते हैं, उनके चैनल पे जाके कर सकते हैं, तो थोड़ा उनको मोटिवेट होगा क्योंकि दोनों जब लाइफ लाइन चले जाती है तो बड़ा दुख होता है। तो ये चीज अनुभव जिसने किया उसको पता होता है कि क्या होता है। तो आप प्लीज उनको जाके वहाँ पे सपोर्ट करिए। चलिए इस वीडियो को आगे कर, मैं थंबनेल वंबनेल में कुछ ऐसा मेंशन नहीं करूंगा, अगर आप यहाँ तक देख रहे तो थैंक यू। दोस्तों बात करेंगे इस स्टाइलिश बाइक के बारे में, तो होंडा सीबीआर 250RR जापान में अपडेटेड किया गया है 2021 मॉडल में। पहले 2020 मॉडल था, 2021 में थोड़े से अपडेट हुए। एंड इसका प्राइस है वहां के करेंसी को अगर इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करते तो 5.79 लाख रुपीज होती है, जो कि काफी ज्यादा है। वेल अगर इंडिया में गाड़ी लॉन्च होती है तो इसका प्राइस 3.25 होगा टू 3.50 लाख हो सकता है। लेकिन ये कैसे हो सकता है, क्योंकि सीकेडी के थ्रू लॉन्च होगी इंडिया में, और सीकेडी होता क्या है, बाहर से पार्ट्स मंगवाए जाते हैं और इंडिया में असेंबल होता है, जिससे गाड़ी की प्राइसिंग काफी कम हो जाती है। तो ये चीज इस गाड़ी में हो सकती है। इस बाइक में आपको मॉडर्न फीचर्स देखने को मिलता है, स्पेक्स भी काफी अच्छे देखने को मिलते हैं, लाइक आपको एलईडी हेडलाइट, एलईडी डीआरएस, डिजिटल इंस्ट्रूमेंटेशन, टू बैरल एग्जॉस्ट, स्प्लिट सीट, एलईडी टेल लाइट, फुल्ली फेयर्ड बाइक है, क्लिप ऑन हैंडल बार देखने को मिलता है, थ्री राइडिंग मोड से कंफर्ट, स्पोर्ट्स, स्पोर्ट प्लस, जो कि एक सिंगल नॉब से आप चेंज कर सकते हैं। वही इंजन की बात करें तो ये अगेन बहुत इंप्रेसिव है क्योंकि ये पैरेलल ट्विन इंजन है एंड 249cc का लिक्विड कूल्ड इंजन देखने को मिलता है, जो कि काफी इंप्रेसिव है। जो कि पावर आउटपुट निकालता है 41 HP का पावर आउटपुट एट द रेट 13,000 RPM एंड 25 Nm का टॉर्क 11,000 RPM, 6-speed ट्रांसमिशन। ये जो पावर है ये ऑलमोस्ट KTM की 390 जितना ही है, और प्लस लाइट वेट भी है ये बाइक। इस गाड़ी की अगर माइलेज की बात करें तो ऑन एंड ऑन एडिक्वेट जो कंपनी बताती है 40.1 किलोमीटर पर लीटर है। सीबीआर 250RR फ्रंट में आपको देखने को मिलता है USD फोग एंड पीछे मिलता है 5-step एडजस्टेबल रियर मोनोशॉक सस्पेंशन। वही हम बात करें 2021 होंडा सीबीआर 250RR के डिस्क ब्रेक की, तो 310mm का सिंगल डिस्क एंड 240mm का रियर सिंगल डिस्क, डुअल चैनल ABS के साथ देखने को मिलती है एंड ये स्विचेबल नहीं है, ऑलवेज ऑन है। सीट हाइट भी 790, जो कि इजीली है, काफी इजीली कोई भी चला सकता है। टायर्स की बात करें तो 110 सेक्शन का फ्रंट टायर है एंड 140 सेक्शन का रियर टायर है। दोस्तों होंडा सीबीआर 250RR फिलहाल तो लॉन्च नहीं हो रही इंडिया में, बिकॉज अभी कंपनी काफी दिनों से बंद पड़ी है। तो जो लॉस होता है ना, जो पैंडेमिक में जो लॉस हुआ है उसको कवर अप करने के बाद ही वो कोई नई रिसर्च कर सकते हैं। तो इस गाड़ी को आने में थोड़ा टाइम है, अभी इस गाड़ी को आने में ऑलमोस्ट नेक्स्ट ईयर के फर्स्ट क्वार्टर लग जाएगा, मतलब 2022 के फर्स्ट क्वार्टर में ये गाड़ी आ सकती है होंडा सीबीआर 250RR। और शायद इस प्राइस को कट डाउन करने के लिए होंडा सीबीआर 250RR नहीं आएगी, होंडा सीबीआर 250 आ सकती है अपडेटेड मॉडल के साथ। तो ये अभी देखना बचा है क्योंकि फेस्टिवल सीजन में एक अपडेट आने वाला है एक कंपनी की तरफ से कि ये गाड़ी आएगी या नहीं आएगी। आशा करता हूं आपको इन्फॉर्मेशन वीडियो अच्छा लगा, एंड अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में कुछ प्रोडक्ट्स के लिंक है जो बेसिकली मैं यूज करता हूं, अगर वहां से कुछ भी परचेस करेंगे तो इस चैनल को काफी हेल्प होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, जय हिंद।